ये भी यहाँ से निकल आया है। आप कुछ लोगों को पता होगा क्या चीज है ये फिल्म, याद है किसी को? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गए अभी चली गई बिजली, तो अभी जनरेटर चलाने के लिए छत पे आऊँ। आजकल ना बिजली बहुत ज़्यादा जा रही, घंटे बाद बिजली जा रही है, एक घंटा आती है, एक घंटा जाती है, एक घंटा आती है, एक घंटा जाती है। तो अभी जो है जनरेटर लाता, इन्हें भी दाना वगैरह डाल देता हूँ। चले ये हो गए सारे काम, दाना भी डाल दिया और जनरेटर भी ऑन कर दिया। काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए, बैग भी यहीं पर पड़ा इसी तरह और मेरे कपड़े वगैरह भी यहीं पर पड़े। तो अभी बैग बिठा लेते हैं, कपड़े बिठा के अपने ऊपर कमरे में ले जाते हैं। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन रात के, बज रहे हैं 12:30। तो अभी इस टाइम जो है मैं ब्लॉग करने लगा। आज सारा दिन है मैंने ब्लॉग ही नहीं किया, दिल ही नहीं कर रहा था ब्लॉग करने का। तो अभी पता नहीं रोशनी किस तरफ से ठीक आ रही होगी, किस तरफ से मेरी जो संगत है वो ठीक आ रही होगी। तो सारी तरफ घूम लेते हैं एक दफा 360। बैग अभी ये पड़ा है, तो बैग भी उठा के ना अलमारी में रख देता हूँ। ठीक है, चला आज सारा दिन ब्लॉग नहीं मैंने किया, तो मुझे ना सुकून नहीं आ रहा था कि यार आज मैंने ब्लॉग क्यों नहीं किया। तो सारी जो दिन है मेरा टेंशन में गुजरा कि आज ब्लॉग क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। तो कभी सो के भी देख लिया, उठ के भी देख लिया, जहन में कोई चीज़ आ ही नहीं रही थी ब्लॉग करने के लिए। तो फिर ब्लॉग आज सारा दिन नहीं किया। तो अभी जो है ना रात के 12:30 हो रहे हैं, जबकि सोने का टाइम है। तो अभी मैंने कहा मुझे नींद नहीं आएगी, ब्लॉग डाल के सोना। कल तो मैंने अपनी इस चीज़ की सफाई कर दी थी, बस ये वाली जगह रह गई। तो आज ये जगह देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या पड़ा है, और आपको भी दिखाते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से निकलेगी, तो ये सफाई करते हैं और आपको दिखाते भी हैं कि यहाँ पे पड़ा क्या क्या है। तो मैं खुद भी देखूँगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं पता क्या क्या पड़ी है। जो चीज़ें काम की होगी वो रख रहे, जो नहीं काम की होगी वो फेंक देंगे। अभी देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ये मेरी फ्यूचर कार और मिट्टी में इकट्ठी हुई है, इंशाल्लाह ये लेंगे, इंशाल्लाह बस आपकी स्पॉट हो और आपकी दवाई हो, इस तरह की गाड़ी भी इंशाल्लाह लेंगे। एक ये है मेरी फ्यूचर कार, सीक्रेट बॉक्स है। ये भी यहाँ से निकल आया है। आप कुछ लोगों को पता होगा क्या चीज़ है, लेकिन आजकल के बच्चों को नहीं पता होगा। ये भी ये फिल्म याद है किसी को, क्या नाम है, तेरा प्यार में तेरे प्यार में माँ दी शान। बुक्स वगैरह निकल रही है, बहुत सारी पुरानी बुक्स हैं। ओल्ड मोबाइल फोन, सारा सामान जो है उठा रही है। तो अभी देख लेते हैं डब्बे में क्या क्या पड़ा है। फर्स्ट में ये डब्बा है, तो ये देख लेते हैं क्या पड़ा इसमें। बिल्कुल खाली है, तो ये हो जाएगा फर्क। तो इसमें पड़ी है मेरी बाइक की हेडलाइट्स, तो ये मैं कोशिश करूँगा किसी एक डब्बे में रख लूँ। ये भी फर्क ही है। तो इसमें पड़ी है कार की पुरानी टेप, तो ये भी यहाँ से उठा देंगे। ये भी कुछ नहीं है खास, ये तो पुरानी जो कैसेट्स वगैरह, तो ये तो मैंने आपको दिखा दी है। ये पड़े हैं स्पीकर, ख़राब हैं, ठीक करने वाले। तो ये मेरा सीक्रेट बॉक्स है, मैंने पहले किसी वीडियो में आपको दिखाया और इसलिए अब नहीं दिखाऊंगा ज़्यादा। स्पीकर हो गया, ये छोटी मोटी जैसी चीज़ है। ये वॉकमैन है, तो बड़ा पुराना वॉकमैन गिफ्ट मिला था मुझे, तो अभी मैंने संभाल के रखा हुआ, चलता नहीं है, ख़राब है। ये भी वैसे डब्बा रखा है, ये भी बाहर फेंक देंगे। ये मोबाइल फ़ोन है, ये किसी डब्बे में रख देंगे, इसी में भी शायद रख दूँ मैं। और ये डब्बा है, तो इसके ये इतना बड़ा डब्बा खाली है वैसे, लेकिन इसके अंदर जो है ना एक चीज़ पड़ी हुई है, तो वो दिखाता हूँ क्या है। अभी मैं निकालूँगा, ये चेक करें, गैस करें क्या हो सकता है, गैस करें क्या हो सकता है। ये है जी मेरे बाइक की ओरिजिनल जो होती है ना फ्रंट स्क्रीन, वो है। तो अभी मैंने संभाल के रखी हुई है, तो बाहर नहीं निकालेंगे, इसी तरह इसे संभाल के रख लेंगे। ओरिजिनल विंड स्क्रीन है मेरी बाइक की। यहाँ पे बुक्स वगैरह, और ये खाली डब्बा है, तो ये किसी और रूम में शिफ्ट कर देंगे। मेरे स्पीकर्स का वीडियो बनाने के लिए ऊपर पंखा मैंने बंद किया हुआ है, और ये मेरा हाल हो गया। तो अभी एक दो चीज़ें जो आपको सिनेमैटिक्स में अभी दिखाऊंगा मैं।
ये रेल के सिनेमेटिक्स और मेरा जो है बड़ा हाल हो गया, तो अभी ये सारा सामान जो है समेटने का रहता है, अभी ये सारा सामान है फटाफट करके समेट लेता हूँ। अभी ये मैं डब्बा खुला था अंदर, देखा अंदर तो खजाना पड़ा हुआ है, तो ये तो मैंने आपको दिखाया नहीं, तो अभी ये भी दिखाते हैं। ये चेक करें, ये एक निकली है नातों की कापी है, मीठा मीठा मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, और ये पड़ी है, और ये मेरा ड्रीम फ़ोन हुआ करता किसी दौर में, तो उसकी सिर्फ बॉडी रह गई है मेरे पास। ये परफ्यूम का डब्बा, खाली डब्बा, और ये चेक करें मेरा बचपन का ये कह लें वॉलेट है, और इसके अंदर अभी भी 10 रुपये पड़े हुए हैं। इसके अंदर और भी सिक्के वगैरह भी पड़े होंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें ये सिंधबाद का सिक्का है, तो अभी भी मेरे पास पड़ा, और ये पता नहीं किस मुल्क का सिक्का, ये भी मेरे पास पड़ा अभी। ये रहे मेरे स्कूल की फीस चलान, जो कि मैंने फीस वगैरह पे की है स्कूल की, और ये मेरे स्कूल के पेपर्स वगैरह हैं, अभी दिखाता हूँ आपको खोल के। एक आधा पेपर तो मेरे चूहे ने काट लिए हैं, ये चेक करें, सारे चूहे ने काट लिए थे, तो जो बच गए, तो ये मेरा रिजल्ट कार्ड बचा हुआ है, तो ये मेरे मार्क्स हैं सारे, कितना मैं लाइक बचाता था, BBEAABBA, इतना ज़्यादा लाइक बचा हुआ करता था। पेपर भी देख लेते हैं कोई, ये चेक करें पेपर, खैर इसे रख लिया अभी, तो अभी डब्बा पैक कर लेते हैं। आपको नजर आ रही ना सफाई होगी, सिर्फ एक डब्बा जो है वो वहाँ पे पड़ा, बाकी सारे डब्बे उठा दिए, और ये कार्स वगैरह भी मैंने अभी साफ करके ना इस तरह सजा के खड़ी कर दी है, और जैसे पार्किंग में खड़ी हूँ, तो ये डब्बा खड़ा कर दिया, तो बाकी डब्बे शायद आपको अभी नजर आ गए होंगे कहाँ पे पड़े, वो पड़े पीछे, तो मैंने अभी वहाँ पे रख दें, ये दो इम्पोर्टेंट डब्बे हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ पे रख दिए, तो यहाँ पे पीछे जरा कम नजर आते हैं, यहाँ पे ज्यादा नजर आते हैं, इसलिए यहाँ से उठा दिए और वहाँ पे रख दिए। तो बीच में मेरा ब्लॉग जो है थोड़ा सा खराब हो गया था, क्योंकि ये मोबाइल जो है हैंग हो जाता है काफी देर, अगर इसका कैमरा ऑन हो तो कैमरा बंद हो जाता है, हैंग नहीं होता, बंद हो जाता, क्रैश हो जाता, तो जिसकी वजह से कुछ ब्लॉग ना तो वैसे रहा, तो अभी दोबारा ब्लॉग कर रहा हूँ, तो इस ब्लॉग को करते रहे, यही पे खत्म। उम्मीद है ये छोटा सा ब्लॉग और अच्छा लगा होगा आपको, अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इस ब्लॉग को यही पे खत्म करते हैं, तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।